वैलेंटाइन वीक शुरू है और बिहार में सोशल मीडिया पर पिंकी नाम की लड़की की चर्चा है। पिंकी ने अपने वन साइडेड लव को पाने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है और पत्र में बिहार के सिस्टम से परेशानी और बेरोजगार की बात का जिक्र किया है। पिंकी के नाम से लिखे गए पत्र में लिखा गया है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो प्यार भी नहीं मिलेगा, यही कारण है कि उसने तेजस्वी यादव के नाम से पत्र लिखा है। पिंकी का तेजस्वी यादव के नाम पर लिखी गई इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है और ये चिट्ठी वायरल हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल किए गए इस पत्र में पिंकी ने लिखा है कि वो औरंगाबाद में रहने वाले मशहूर युवा लेखक प्रभात से एक तरफा प्यार करती है, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी लग जाती है तो उसे भी उसका प्यार मिल जाएगा। तेजस्वी यादव के नाम पर लिखे गए पत्र में ये भी कहा गया है कि आपने तो लव मैरिज शादी कर ली, मेरे प्यार का क्या होगा। ये पत्र सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। चलिए पूरा पत्र एक बार पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। डियर तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, आपको पता है मैं अभी बड़ी टेंशन में हूँ। आप तो लव मैरिज कर लिए लेकिन मेरे मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लगा है। 4 साल से प्रभात से वन साइडेड अफेयर में है, अफेयर की उम्र में करंट अफेयर पड़ रहे हैं। सोचे थे नौकरी लगेगा तो प्रपोज करूंगी, लेकिन नौकरी तो लगने से रहा। एक तो वैकेंसी नहीं आता है और वैकेंसी आता भी है तो पेपर लीक हो जाता है। ये सब देख के लगता है कि यो वैलेंटाइन ऐसे ही पार हो जाएगा और हम प्रपोज भी नहीं कर पाएंगे। हम इधर कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं और बाबूजी मने मन ब्याह की तैयारी में लागल है। हमारी सब सहेली का तो बच्चा भी हो गया है ब्याह के बाद। मन बहुत मायूस हो रहा है ये सब सोच के। बड़ी उम्मीद से चिट्ठी लिख रही हूँ, नौकरी का जुगाड़ लगवाइए, नहीं तो लेखक साहब किसी और जुगाड़ के साथ फरार हो जाएंगे। प्यार बिना नौकरी के लेकर क्या करेंगे। आपकी वोटर और लेखक प्रभात की वन साइडेड लव, पिंकी। पिंकी ने कहा कि ये एक तरफा प्यार है, लेकिन अगर मेरे पास नौकरी होती तो मैं प्रभात को प्रपोज करती, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है और बिहार में बेरोजगारी भी खूब है। तो तेजस्वी यादव से हमारी भी यही अपील है कि भाई रोजगार के साधन मुहैया कराएं ताकि युवाओं को नौकरी मिले और पिंकी जैसे लोगों को अपना प्यार भी मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।